दोस्तों आपको टाटा का सॉफ्टवेयर गरुड़ा वी कनेक्टर आई स्मार्ट जाल टेस्ट का हार्डवेयर वी एक्स टी आई जी हार्डवेयर डी टी सी मैनुअल वायरिंग डायग्राम सर्विस सपोर्ट चाहिए तो कॉन्टैक्ट करिए। दोस्तों आज मेरे साथ वेस्ट बंगाल के मेरे टीम मेंबर जुड़ चुके, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो इनके पास एक गाड़ी आई टाटा एस गोल्ड बी एस सिक्स, उसमें एस सी आर फॉल्ट यूरिया कम की लाइट आ रही है, एस सी आर फॉल्ट की लाइट आ रही है और रीजेंशन का भी कोड आ रहा है। तो आज मैं इनको बताऊंगा किस तरीके से ये कोड पे काम करते हैं एनएडिस कनेक्ट करके। तो कैसा है आपको मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको कोई गाड़ी का सर्विस सपोर्ट चाहिए तो आप मेरे साथ कभी भी कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको एनी टाइम सर्विस सपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ। तो देखिए इनका मैं सॉफ्टवेयर ओपन किया, टी डी एस सॉफ्टवेयर टाटा डायग्नोस्टिक सिस्टम। अगर आपको एस सी आर सिस्टम और रीजन्स का पूरा काम करना है तो आपके पास टाटा का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर रहेगा तो ही आप कर पाएंगे। तो अभी हम लोग कनेक्ट किए लैपटॉप इस तरीके से, टाटा एस गोल्ड वी एस सिक्स गाड़ी है तो 700 सीसी इंजन है, 700 सीसी 800 सीसी इंजन में जाके कनेक्ट कर दें ऐसा। आप देखिए जिसको लैपटॉप कनेक्ट करने नहीं आता उनके लिए ये स्टार्टिंग का वीडियो है और जिनको समझ में आता है वो 10 सेकंड वीडियो स्किप कर सकते हैं। फिर उसके बाद अभी हम लोग ये देखिए ओके बटन क्लिक किया, 700 सीसी इंजन में सेलेक्ट करके सबसे ऊपर वी एस सिक्स, फिर उसके बाद व्हीकल प्लेटफॉर्म पे एससीबी स्मॉल कमर्शियल व्हीकल, फिर उसके बाद फ्यूल टाइप में डीजल और उसके बाद वेरिएंट टाइप में 700 सीसी एस गोल्ड 700 सीसी देखिए व्हीकल में। अब मैं इसका EMS ECU ओपन किया, EMS ECU इंजन मैनेजमेंट सिस्टम ओपन किया। अब मैं इसमें देखता हूँ क्या कोड आ रहा है और इसमें क्या काम करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई फॉल्ट कोड का डिस्क्रिप्शन चाहिए, वायरिंग डायग्राम मैनुअल चाहिए तो भी आप मेरे नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए जैसा मैंने ओपन किया, ओपन करने में देखिए इसमें कितना कोड बन रहे हैं, कम से कम इसमें चार कोड आ रहे हैं, जैसा कि मैंने देखा था चार कोड आ रहे हैं। सबसे पहला फ्यूल रेल प्रेशर लो का है तो ये कोड भी आपको काम नहीं करना है, ये कोड आप डिलीट करोगे चला जाएगा। जो दूसरा कोड है वो नॉक सेंसर का है, तीसरा कोड पार्टिकुलर फिल्टर का है, चौथा रिडक्शन लेवल लो का है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए रिडक्शन लेवल लो मतलब यूरिया का लेवल कम है, और जो दूसरा कोड है नॉक सेंसर का, नॉक सेंसर में कार्बन जमा होगा या नॉक सेंसर का वायर कटा होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका, मैंने इसका देखा रीजेंशन सिस्टम में जाके, इसमें सूट में 7 ग्राम ही है तो खास रीजेंशन का इशू है नहीं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो काम इसमें करना किया जाएगा वो आपका जो SCR फॉल्ट का है, यूरिया नहीं बता रहे उसके लिए। तो इसमें अभी हम लोग पैरामीटर में चेक करेंगे कि डेफ कितना है, यूरिया कितना है, और उसके बाद कभी भी SCR फॉल्ट आया तो आपको कस्टमर से क्लियर करना रहेगा कि कंसर्न करना रहेगा ये प्रॉब्लम कब से आया कैसे आया, ये सारे कस्टमर से 2-3 क्वेश्चन है वो आपको क्लियर करना रहेगा। कौन कौन सा क्वेश्चन है अगर आपको ये चाहिए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट करेंगे, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये चीज़ कस्टमर से क्लियर करके फिर उसके बाद काम करेंगे, आपको काम करने में आसानी होगी। देखिए SCR फॉल्ट के लिए चार पांच पैरामीटर कौन कौन सा है वो भी मैं आपको ये वीडियो में शेयर करूंगा, जिससे आपको काम करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और ये कोड भी जैसा मैंने किंग उनको चेक करने के लिए तो उन्होंने देखा कि इसमें आपको मैं पैरामीटर में दिखा रहा हूँ बहुत कम यूरिया लेवल बता रहे हैं, यूरिया लेवल इन लीटर लेवल इन MM ये दो चीज़ होता है। तो मैं एक कोड का करेक्टिव एक्शन दिखा देता हूँ, ये तो नॉक सेंसर का है, नॉक सेंसर का भी कोड आ रहा था तो हमें नॉक सेंसर भी चेक करना पड़ेगा। तो नॉक सेंसर पे कार्बन जमा हुआ था पूरा, ये देख रहे हैं जो नॉक सेंसर दिख रहा है डिफ्यूर नॉक सेंसर, तो नॉक सेंसर में कार्बन जमा हुआ था और कार्बन में क्लीन करवाया फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम चला गया, नॉक सेंसर वाला कोड चला गया। और बचा रिडक्शन लेवल लो वाला कोड, जो रिडक्शन लेवल लो का कोड था तो अभी मैं आपको पैरामीटर दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए मैंने कनेक्ट किया और उसके बाद ये मिनिमाइज़ करके अब मैं आपको दिखा रहा हूँ पैरामीटर में, व्हीकल पैरामीटर में जाना है। व्हीकल पैरामीटर में जाके आपको कुछ मैं पांच ऐसे इंपॉर्टेंट 5-6 टॉपिक है जो कि आपको पैरामीटर में ज़्यादा SCR फॉल्ट में यही चेक करना होता है। सबसे पहले मैंने क्या सेलेक्ट किया, कूलेंट टेम्परेचर सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है, ये नॉर्मली मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक्सीलेटर पैडल भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, दो कोड तो नॉर्मली ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं पैरामीटर। फिर उसके बाद यूरिया टैंक इन टेम्परेचर, यूरिया पंप का प्रेशर, यूरिया डोजिंग क्वांटिटी, और फिर उसके बाद मैंने एक्सरोल करते हुए नीचे आया। फिर उसके बाद अभी मैं देखता हूँ इसमें 2-4 पॉइंट है और हैं जैसा कि यूरिया लेवल इन MM में जो है, और T5, T4, T6 ये 3 टेम्परेचर सेंसर दिए होते हैं, इसको आप सेलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं है। यूरिया टोटल कंजप्शन, यूरिया कंजप्शन कितना हुआ है। फिर उसके बाद लास्ट जो हम लोग को बचता है यूरिया लेवल इन लीटर में, आपको ये भी चेक करना होता है कि लेवल इन लीटर में कितना बता रहे यूरिया, लेवल इन MM में कितना बता रहे यूरिया, और यूरिया का क्वालिटी कैसा है। यूरिया कंस्ट्रक्शन दिया होता है ना कि 32.5 वो कितना है, तो
ये सारे चीज़ मैं सेलेक्ट करने के बाद इसे ओपन करता हूँ। स्टार्ट बटन पर क्लिक किए, ये देख रहे हैं आपको दिखने लगा। अभी यहाँ पे सारा वैल्यू प्रॉपर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा। अब देख रहे हैं यूरिया लेवल लीटर में 4 लीटर बता रहा है, और उसके बाद एमएम में जो बता रहा है, एमएम में सही बता रहे हैं, 79 पॉइंट समथिंग है, 79.75 है क्या। तो इस तरीके से अगर आप चेक करेंगे तो आप काम बहुत आसानी से कर लेंगे और आपको काम करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें कस्टमर से मैंने बोला आप चाबी ऑन करके डेफ डालिए, और डेफ डालने के बाद गाड़ी सही हो जाएगी। तो ऐसा करने से गाड़ी सही हो गया, और आपको मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आएगा काम करने का। आपको मैं स्टार्टिंग पॉइंट से मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि काम कैसे किया जाता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं अमित उपाध्याय और आप देख रहे हैं यस ऑटो मोबाइल यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।